हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था। आज सेकंड पार्ट में उससे आगे बढ़ेंगे, किंतु एक बार पुनः उसका हम लोग अवलोकन कर लें कि क्या क्या उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा। उससे भी पहले ये शुरुआत कहाँ से हुआ, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शुरू में लोगों की ये अवधारणा थी कि बेबिलोनियन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शुरुआत हुआ था। बेबिलोन में बेबिलोनियन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन उसके बाद वो उसकी चर्चा फिर आगे नहीं हो पाई। फिर बाद में ये एक अपनी इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला, लेकिन उनका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल सी, इस रूप में था। इसी बीच अल-ख्वाज़मी यूनान का जो था, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ डिस्कस किया, और सबसे लास्ट एक श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन, उन्होंने ही इसको सिर्फ थोड़ा सा इसको रूपांतरित किया, जबकि है वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इसके बारे में पूरा इसका सॉल्यूशन निकाला, इसको सोल्व करने का एक फार्मूला दिया, जो बाद में चलकर करके उन्हीं के नाम से एक फार्मूला बना, सिर्फ धराचार्य फार्मूला, जिसको आगे अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। एक उन्होंने एक डेफिनेशन जो दिया कि एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन हैविंग द पावर ऑफ वेरिएबल इज मैक्सिमम 2। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, वेयर ए बी सी आर इंटीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी चर्चा हम लोगों ने उस दिन किया था कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बच पाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। और यहां पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। तो यहां पर सिर्फ ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, इसका भी हमने एग्जांपल दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ अगर दिया है, जैसे x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पावर टू देखने पर ऐसे तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर ये टू एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस वन दैट इक्वल जीरो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है कि एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन ए है बी नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स का जो कोफिशियंट होता है यानी एक्स वाला टर्म वो बी बी कह रहे हैं, यहां एक्स वाला टर्म नहीं है, हियर बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू माइनस वन, सो इट इज इक्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसमें तो स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, फिर भी हम आगे प्रयास करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, प्लस 2x और प्लस 6 दैट इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब थोड़ा सा और, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू 5x प्लस 6 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। एक पक्ष यानी इसका जो है एक साइड ले आते हैं, जो ट्रांसपोज का रूल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 6 प्लस 2 दैट इक्वल जीरो। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 5 1 6x और प्लस 8 इक्वल टू जीरो। 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 3x प्लस 4 इक्वल जीरो, 2 अदर साइड भेजेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ये क्या हुआ, 3x प्लस 4 मैक्सिमम पावर इज 1, सो इट इज लीनियर, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम कह सकते हैं ये ऊपर वाला जो एक दिया हुआ है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कहां पर हो सकता है कहां पर नहीं हो सकता है इसको हम लोग इसी तरह से पता करें। इसके आगे अगर और कुछ एक्सप्लेन करने के बाद पावर 3 भी हो जाए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब हर हालत में पावर एक्स स्क्वायर ही बचना चाहिए, एक्स का पावर 2 ही बचना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला अगर टर्म बचता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इससे ज्यादा या कम होने पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। इसके बाद फिर मैंने बताया था रूट्स, ये रूट्स क्या होता है कि जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे कि देयर आर टू जीरोज, लेकिन यहां क्या होगा, देयर आर टू रूट्स। रूट्स जहां जो जीरो सबका यूज करते थे, अब यहां पर हम लोग रूट्स कहेंगे, बोथ आर सेम, रूट्स एंड जीरोज आर सेम, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उसका इस्तेमाल रूट्स के रूप में करेंगे। देयर आर टू रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा। अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलेगा, बोथ वैल्यूज आर कॉल्ड रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद दो ही रूट्स मिल सकता है, दो ही रूट्स होगा, इससे ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। कभी कभी एक रूट्स दिखता है तो उसमें दूसरा रूट्स भी वही होगा, कुछ कंडीशन होंगे उसको बताएंगे कि कब दोनों रूट्स सेम होते हैं। इसमें जो है अगर किसी एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसके सोल्व करने का जो तरीका है मेनली दो तरीका है, लेकिन अब जो है हम लोग तीन तरीके के रूप में इसको पढ़ेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा फार्मूला मेथड और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा फार्मूला मेथड और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस तरह से हम लोग अभी देखते हैं, पहले फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो पहले ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, 1, 1 इंटू 10 तो कितना आ गया 10, 10 का पॉसिबल फैक्टर 1 इंटू 10, 2 इंटू मतलब किससे कटता है, कितने बार में कटता है, 2 इंटू 5, अब इससे ज़्यादा होगा नहीं, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि बीच वाला नंबर कब मिलेगा, ऐड करने से 10 प्लस 1 11,
सब्ट्रैक्ट करने से 9, इसको कैंसिल।